स्टेप टू स्टेप सीधी चलने का तरीका है, उसके हिसाब से मैंने और आपके सामने लिखा है कुछ उसी तरह का जो पिछले वीडियो में, उससे ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन ये करना जरूरी है। आपको 5-10 मिनट की एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उसको और थोड़ा स्लो कर दिया। कुछ उसी तरह का एक स्टेप आया हो चुका, उससे मिलता जुलता है पूरी तरह। तो चलिए तो छोटा सा वीडियो जो बनेगा उसको आप अभ्यास करिए और वादा आप करते जाइए, एक एक स्टेप आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसको। लोग कहते हैं कि ये किस तरह से चलाई जाती है लड़की को, किस तरह से उसे अभ्यास किया जाएगा, कितना टाइम लगेगा। कोई टाइम नहीं लगता है, केवल उसको दिन में 5-10 मिनट दीजिए बस, और कोई नहीं। जो भी स्टेप है उसको ध्यान से बारीकी से समझिए और करते रहिए, आप बहुत ही जल्दी इसको सीख जाओ। तो अपना जो पिछला वीडियो था उसमें हमने बताया था कि बाहर से अंदर की ओर और उसके अपोजिट दोनों चीज़ बताइए, वन और ये। इसको थोड़ा सा चेंज करके, ज़्यादा नहीं बिल्कुल थोड़ा चेंज है, बस आपको ध्यान देना है। जो लड़की पकड़ने का तरीका है वो उसी जगह से जहाँ से पिछली बार पकड़ा था, और मेरा लफड़ा लगभग भी इस तरह का ही रहेगा। मैं लड़की को इसी तरह से पकड़ूँगा, आपको बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे कि इस तरह से पकड़ो, इस तरह से पकड़ो, लेकिन ये मेरा अपना है और मैं इसी तरह, और सही लकड़ी पकड़ने का तरीका भी यही है। तो चलिए आज का अपना जो थोड़ा सा चैलेंज है वो किया, सबसे पहले तो आपको इसको आगे से शुरू करना है। जो हमने स्टार्ट में इसको बताया था, जो आगे से ये वाला हमने बताया था, कुछ इस टाइप का ही है और वैसे ही करना। तो इसको शुरू करते हैं, अपना दूसरा जो स्टेप है वो इस तरह से आएगा, मैं स्लो में बता रहा हूँ। आगे से राउंड और बैक से राउंड, आगे से राउंड बैक से राउंड। कोशिश करना सबसे पहले वो लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस किया जाए, क्योंकि राइट से आ जाएगी आसानी से, इसलिए कोशिश करें कि लेफ्ट से राइट का तालमेल बनाने के लिए पहले लेफ्ट से ही अभ्यास करना चाहिए। तो ये वाला है अपना आगे और पीछे, आगे और पीछे। यहाँ से आगे से वही बाहर की ओर जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, यहाँ से बाहर की ओर जा रहा है, ये यहाँ से जा रहा था, और अब इसको यहाँ से हाथ को मोड़ते हुए आगे की ओर लाते हुए फिर इसको बाहर की ओर, जब बैक जाने के बाद वैसे अप एंड डाउन, ठीक है। उसी तरीके से इसको राइट से भी अभ्यास वैसे ही करना है, कुछ ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा चेंज है कि ये आगे से पीछे की ओर जा रहा है। आपको ऐसे ही मेरे साथ चलते रहना है, मेरे जो मैं बताया उसको आपको फॉलो करना है, आसानी से आप सीख जाओगे। मैं थोड़ा इसको स्लो में करके दिखा देता हूँ। चलिए अच्छे से इसको अपने नियमित अभ्यास में लाइए और करते रहिए, सीखते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे तकनीकी और स्टेप के साथ।